कोशिश करी है, जब हमें ये पता चल गया कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है और हमें ये पता चल गया कि हम इन अलाइनमेंट और आउट ऑफ अलाइनमेंट कैसे हो रहे हैं, जिस वक्त हमारे दिमाग में ये प्रोसीजर बैठ गया, हम कंप्यूटर पे करते हैं ना, जैसे स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं और हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या है, किस तरीके से काम करना है, आप लोग जैसे भी जानते होंगे इसको, आपके दिमाग में वो इमेज वो छवि बन गई होगी भले आप उसको देख ना पाओ, ठीक है, आपके दिमाग में वो छवि बनी हुई है। ठीक इसी तरीके से उस इंसान के बारे में सोचें जिसने अपराध किया, कारण उसका कि उसने इस बात को अगर समझा होता तो जिस पल उस अपराध करने के लिए उसको गुस्सा आ रहा था, जिस पल उसके अंदर वो निराशा, फ्रस्ट्रेशन, वो एक गुस्सा था, उसके दिमाग में अगर घंटी बज जाती तो शायद वो अपराध करने से रुक जाता। आप मानते हैं इस बात को? अगर ये इस चीज को हम और साधारण तरीके से सोचे, जब हम चलते हैं, आपके पास एक स्टिक है, हम लोग सीधे चलते हैं, आपको पता है जैसी स्टिक थोड़ी सी नीचे जाएगी आपको लगेगा कि यहाँ गड्ढा है, ठीक है, बिल्कुल हमें ये लगता है, हमें महसूस होता है इस बात के लिए। अब आप इसको सोच कर देखिए कि जब हमारी जिंदगी में हमें पता है कि हमारे एहसास जैसे ही नेगेटिव हो रहे हैं, जैसे ही हमें टेंशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, हम किसी दोस्त से बोल रहे हैं, वो भी कह रहा है हाँ यार मेरे पास भी ऐसे ही फोन आया था, नहीं रखते यार ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है, और वो शब्द मैं नहीं यूज करूंगा जो दोस्त लोग आपस में कर लेते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी ये, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ये दिक्कत होती है हमारे साथ, मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ। तो यही वो बात है, इसको समझ कर कोशिश करनी है हमें कि यार इसको जिंदगी में उतारें और इस पे चल कर देखें। आप ये सोच के देखो, मैंने कोई फिल्म में डिप्लोमा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मेरे लिए सपने जैसा था, जब मैंने आजमाना शुरू किया मैंने कहा यार क्या मूवी में जा सकता हूँ। एक इसमें प्रक्रिया है विजुलाइजेशन प्रोसेस, और एक है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड आप लोग नहीं बना सकते, लेकिन आप लोग विजन बोर्ड बहुत अच्छा बना सकते हैं, लोग कहेंगे कि विजन बोर्ड नजर आना चाहिए, जिसमें मैंने क्या किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मूवी का मेरे को लगा कि यार इसको टेस्ट कैसे करूँ, मैंने कहा ठीक है, एक गूगल पे गया, इंटरनेट पे, आप लोग तो जानते होंगे उसके बारे में, गया मैंने एक इमेज ढूंढी, उसमें से इमेज ढूंढ के उस पर मूवी डायरेक्टर और एक चेयर रखी हुई थी, उस पर मूवी डायरेक्टर का वो स्लोगन लिखा हुआ था, और वो कट जिससे करते हैं ना मूवी में, वो कट वाला वो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, तो बार बार मैं उस पर फोकस कर रहा था कि यार काश ये मुझे ऐसे पहुंचा दे। तो मैंने ये नहीं सोचा कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट पे किया मैंने, और मैं इसको कर रहा था कम से कम 7-8 महीने से, कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से क्या हुआ, मैं यूएस के अंदर डैलस टेक्सास जो जगह है जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ दिवाली मेला लगता है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, 2 लाख लोग हैं। मैं वहाँ पर गया, वहाँ में एक स्टॉल पे था, मैं वहाँ बात कर रहा था, इतने में कोई एक और आए, तो जो प्रेसिडेंट थे उस स्टॉल के, वहाँ एक बाना एसोसिएशन है, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका करके, वहाँ पर वो थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको एक फिल्म प्रोड्यूसर से मिलाता हूँ, एक मनोज भैया करके पिक्चर आई थी भोजपुरी में थी, तो उन्होंने उनसे मेरे को मिलवाया, वो 10 साल से वहाँ पर है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा सर बताइए कुछ काम वाम हो तो बताइए, तो उन्होंने कहा मेरे पास एक अंग्रेजी में स्क्रिप्ट है, क्या आप उसको हिंदी में करना पसंद करो, तो उसको हम ट्रांसलेशन चाह रहे हैं, मैं इंडिया जा नहीं सकता और ये कॉपीराइट कराया हुआ है, मैं इंडिया भेजूंगा तो ऐसा ना हो कि मेरा काम कोई और चोरी कर ले। तो उन्होंने मुझे ये काम दिया, मैंने जब देखा स्क्रिप्ट को तो मेरे को अंदर से लगा कि यार ये पिक्चर ना इंडिया में नहीं चलेगी, कोई नहीं समझेगा, मैंने उनको अपना रिवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा क्या तुम इसको चेंज कर सकते हो, मैंने उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद जब मैंने भेजा तो उनको वो चीज़ पसंद आ गई, मेरा ब्रेक ऐसे शुरू हुआ। अगर मैं इस पे विश्वास नहीं करता तो हो सकता है उस मेले में अगर मैं उनसे बात भी नहीं करता। इसको अमल में लाने के लिए पहले मैंने इसको जहन में उतारा, समझा, मुझे भी 8 महीने लग गए, क्योंकि इसमें समय लगता है, ये चमत्कार करने वाली चीज है, लेकिन एक लगन के साथ चमत्कार होता है। अब हम लोग कहते हैं ना कि बार बार जवान पे यार ऐसे मत बोल, किसी को बोल देते हैं तेरी काली जवान है, या फिर हम कह देते हैं कभी कभी जवान पे सरस्वती बैठती है। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में ये चीजें मौजूद है, लेकिन जब ऐसा हम बोलते हैं तो होता क्या है। अब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, किसी ने जरा सा धक्का लगा दिया और कुछ बोल कर निकल गया, आपके मन में गुस्सा एक जो चीज आई, तो आप ये सोच के देखिए अगले 10 मिनट तक क्या वो आपके दिमाग में बनी रहती है स्थिति या नहीं रहती है, होता है ना। अब ट्रैक को चेंज करें, आप अगर किया मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, वो चीज जो 10 मिनट आपके खा रही थी वो नहीं खाएगी, वो नहीं खाएगी। इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा, और ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं आज बोला मैं चला गया, कारण सिर्फ ये है कि अगर मैं ना भी आऊं तो मैं आपको वो सोर्स देके जा रहा हूं,
क्योंकि हर कामयाब आदमी के पीछे सोर्स यही है, यही स्रोत है जिसको लेकर वो आगे बढ़ा, चाहे वो इसको जानता था या नहीं जानता था। अब आप इंडस्ट्री में आ जाइए, जैसे बाहर की दुनिया है कि एक कंपनी वाला दूसरी कंपनी लगाता है, तीसरी लगाता है, चौथी लगाता है, लेकिन अगर एक कंपनी वाला ठीक उसी तरीके से, एक कंपनी उसकी बंद होती है, सारी डिविजन वर्ल्ड वाइड बंद होने लगती है और आपको खबर मिलती है कि सारी दुनिया में रिसेशन होता है। ऐसा लगता है ना कि ये चीज रिसेशन है। अब ये सोच के देखिए, ये जड़ शुरू कहां से हुई, ये प्योर एनालिसिस है मेरी, क्योंकि मैंने इसको जाना समझा। तो जैसे आपके मन में प्रश्न उठते, मेरे मन में भी उठे यार, तो फिर ये रिसेशन क्यों नहीं खत्म हो जाता, क्यों? क्योंकि इतने सारे अरबों खरबों लोगों की एनर्जी किस बात पे टिकी हुई है कि रिसेशन है, तो मेरी अकेले की एनर्जी क्या उसे खत्म करेंगे? आप ये सोच के देखिए, इस चीज को हमें जहन में उतारना पड़ेगा। जो प्रश्न हम करते हैं ना कि यार ये रिसेशन कब तक चलेगा, कब हमारी जॉब लगेगी, कब परेशानी होगी, ये इसको हमने जहन में उतार रखा है। रोज तो हम इसी का डिस्कशन करते हैं, यार जॉब नहीं मिल रही, अरे यार फोन आया था फिर उसने जवाब दे दिया, अरे यार शुरू में बोल देते हैं, 4 से 6 दिन के बाद अलग ही रिस्पॉन्स देते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, और जब हमें ये पता है कि कब ये लॉ हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है और कैसे हम ये फेवर ले सकते हैं इससे, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही इंसिडेंट आपके साथ होंगे और वैसे ही आइडियाज आपके साथ आएंगे। अब आप छोटी सी बात को सोचो कि आज मैं जैसे आया तो मेरे लिए बहुत एक स्ट्रेंज अनुभव है कि जैसे कॉल साहब ने मुझे बताया, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, उन्होंने मुझे चांस दिया आप लोगों से मिलने का। उनका ये कहना है कि आप लोग तो उस साइड पे रहते हैं, लेकिन हकीकत जो इस साइड पे है कि हम कहते हैं कि दृढ़ संकल्प रखो, एक इरादा रखो, और एंड में जाकर क्या होता है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप देख नहीं सकते, वो लोग मना कर देते हैं कि आपके लिए काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे साथ मीडिया के भी कुछ लोग हैं, उनके तहत इस बात को हम बाहर तक पहुंचाएं कि ये रियलिटी है, और एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि एक दूसरे की इस बात को समझ कर आगे बढ़े और उसको लेकर चले कि कैसे होगा। अब आप लोग ये बताइए, सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपके साथ एक तो मुझे पता चली, अब देखो हमें रिवर्स कैसे करना है अपने आप को। सबसे पहले आ जाइए, हमें जॉब लेनी है, ठीक है, आपके दिमाग में 24 घंटे एक ही चैनल चलना चाहिए, एक चैनल चलना चाहिए कि आप जॉब में हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करिए, अपने आप को ड्रेस उसी तरीके से रखिए जिस तरीके से आप जॉब के पहले दिन से आखिरी दिन तक होंगे। आपको ये बातें क्लियर हो रही है मेरी? हमें करना कैसे है? अब क्या है कि आप लोग पहली बार जानते हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैंने जैसे किया, मैंने सिर्फ एक फोकस को रखा, और जैसे कि इसमें बताया गया कि पूरे दिन में आपका विजुलाइजेशन इतना स्ट्रांग होगा, कारण आप हमसे ज्यादा ताकतवर कहां पर हैं, हम विजुलाइजेशन करते हैं, हम विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन हमारे साथ परेशानी क्या आती है, हमारे सामने इतनी सारी चीजें जिनको हम देखते हैं, हमारा ध्यान तुरंत दूसरी तरफ भाग जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं, और आप उस समय हमसे दुगने ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी ना रंग को देख रहे हैं, ना किसी रूप को देख रहे हैं, ना किसी इंसान को देख रहे हैं। जब तक आपके कान तक नहीं बात पहुंच रही, तब तक आपका ध्यान भंग नहीं होगा। तो आपकी ताकत एक आम आदमी से दुगनी है इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि मैंने इसको समझा है, जाना है, अपने जहन में उतारा है। तो जो परेशानियां मैंने फेस करी विजुलाइजेशन प्रोसेस में, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपकी ताकत इस मामले में हमसे दुगनी है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा एहसास अपने अंदर क्रिएट करिए कि जो एक साधारण इंसान जिसके पास हर चीज को देखने की शक्ति है, उससे आप दुगने ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि जो सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता है, जो विजुलाइजेशन प्रोसेस है आपका, वो उससे दुगना ताकतवर है। अब मेरे किसी दोस्त के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए, अब आपको क्लियर हुआ? ये बिल्कुल मत सोचना कि वो ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आपके पास दुगनी शक्ति है उससे, आपके पास उससे दुगनी शक्ति है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं बाहर देख सकता हूं, जब मैं विजुलाइजेशन करता हूं तो मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट होता हूं, मेरी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है दूसरी चीजों के कारण, आपकी नहीं हो रही। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि आपकी ताकत ज्यादा है, ये ताकत आपके पास ज्यादा है, जब है तो उसको यूज करिए, उसको यूज करिए ताकत को, कि आप कैसे अब बदलेंगे, अब कैसे पे नहीं जाना, हमें एंड रिजल्ट फोकस करना है कि हम जॉब में हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई ऐसा सिनेरियो, क्योंकि आप लोग आईटी में कोशिश कर रहे हैं, 12 साल से मैं आईटी में हूँ, ठीक है, मैंने मैम से बात की है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप